किसी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है आप जैसा विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे अगर आप अपने आप को कमजोर मानेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे और यदि आप अपने आप को ताकतवर मानेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे एज यू विल थिंक एज यू विल बिकम इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ वीक देन यू विल बिकम वीक एंड इफ यू कंसिडर योर सेल्फ स्ट्रांग देन यू विल बिकम स्ट्रांग तो फ्रेंड्स आइए आज की शुरुआत हम आज हम बात करेंगे फेमस टाइगर रिजर्व्स के बारे में फ्रेंड्स स्पेशली दो कैड्स के लिए जो सी दिल्ली पुलिस या किसी भी कम्युनिटी वनडे कम्युनिटी एग्जाम्स के बारे में तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आता है टाइगर रिजर्व से तो फ्रेंड्स लेट्स सी ठीक है कि कौन कौन से इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं तो फ्रेंड्स मैं कहता आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एन सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स ए में वेलकम करता हूँ प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल तो देखते हैं फ्रेंड्स देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है और उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था देखिए पहले देखिए बिहार तो बिहार में टाइगर रिजर्व में। Tubcado, का क्या नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे बिहार में और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 1990 में और इसका एरिया क्या है तीन सौ किलोमीटर स्क्वायर में फिर इसका देखिए डम्पर टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिजोरम में उन्नीस में इसका, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और पाँच किलोमीटर स्क्वायर में है उसके बाद नाग नगर जुना सागर या सिलियम टाइगर रिजर्व या कवल टाइगर रिजर्व ये दोनों फ्रेंड्स अलग अलग हैं ठीक ये कहां है ये कहाँ पे हैं तेलंगाना में है और उन्नीस में ठीक है नागर जुना सागर टाइगर रिजर्व इसमें रिजर्व हुआ था उसके बाद केवल टाइगर रिजर्व उन्नीस में हुआ था उसका सुंदरबड़ टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर वेस्ट बंगाल में सुंदरबन के स्टैब्लिशमेंट का हुई थी उन्नीस में हुई थी इसका एरिया कितना है तेरह किलोमीटर स्क्वायर में और बक्सा का कितना है उन्नीस सौ तिरासी में इसका इस्टेबलिशमेंट हुई थी एरिया कितना है सात सौ साठ किलोमीटर स्क्वायर परमा बिकुलम टाइगर रिजर्व या पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे केरला में उन्नीस सौ तिहत्तर में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उन्नीस सौ बयासी में परियार का हुआ था पुलमाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पर झारखंड में नवंबर उन्नीस में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रुकी टाइगर रिजर्व ये अपने सॉरी पोकी टाइगर रिजर्व नमनता टाइगर रिजर्व कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसका कब उस टैलेंज फ्रेंटा उन्नीस में और उन्नीस में उसका अर्थ फ्रेंड्स देखिए सतपुरा टाइगर रिजर्व उन्नीस में बना हुआ फिर पना टाइगर रिजर्व उन्नीस में संजय दुबरी टाइगर रिजर्व उन्नीस में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उन्नीस में खाना टाइगर रिजर्व 1933 में उसका पेंच टाइगर रिजर्व 1977 में ये सारे कहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ छः टाइगर रिजर्व छः को छ मध्य प्रदेश में है उसका देखते हैं मनस टाइगर रिजर्व या औरंग टाइगर रिजर्व इन दोनों की स्टेबलिसमेंट कभी तो उन्नीस सौ में हुई थी उसके बाद काजीरंगा टाइगर रिजर्व उन्नीस सौ पच्चीस सौ आठ में उसका नेमजीरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे उन्नीस सौ अठहत्तर में और ये सारे कहाँ पे हैं असम में नाग नागौल टाइगर रिजर्व नाइनटीन एटी एट में इसकी स्टेबलिसमेंट हुई थी उसका अंशित दैदली टाइगर रिजर्व कहाँ पर दो सितंबर उन्नीस में इसका स्टैबलिशमेंट हुआ था बांदीपुर टाइगर रिजर्व बहुत आता है एग्जाम उन्नीस में इसका इस्टेबलिशमेंट हुआ था भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे उन्नीस में और उन्नीस में ये सारे कहाँ पे कर्नाटका में है सिंपाल टाइगर रिजर्व 1980 में इसका इस्टेबलिशमेंट हुआ था उसका स्टॉक सीका टाइगर रिजर्व 1976 में इसका स्टेबलिशमेंट हुआ सारे कहाँ पे ओडिशा में है पेंच टाइगर रिजर्व 1977 सायद ग्रेट टाइगर रिजर्व 2008 बोर टाइगर रिजर्व 1970 मेलगार्ड टाइगर 1974 टूबा अंधेगिरी टाइगर प्रोजेक्ट 1955 फिफ्टी फाइव नजीरिया टाइगर रिजर्व 1970 कहां कहाँ पर सारे महाराष्ट्र में उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो जून 2014 में स्टैल किया गया दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में कहाँ पे उत्तर प्रदेश में इंद्रावती टाइगर रिज़र्व और उदयती एंड स्तरी टाइगर रिज़र्व ये सारे कहाँ पे 1975 में और 1974 में और अचानकर टाइगर रिजर्व 1975 में कहाँ पे सारे छत्तीसगढ़ में रंथम सॉरी रंथम भौर टाइगर रिजर्व वन फर्स्ट नवंबर नाइनटीन एटी या सिरकर टाइगर रिजर्व नाइनटीन नाइनटीन में या मुखुंडा हिल्स टाइगर रिजर्व 2004 में राजस्थान में ये सारे उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क 1983 में उसके जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत पूछता है इसके बारे में कहाँ पे उत्तराखंड में उन्नीस सौ में स्टेलिशमेंट हुआ था नागर जूरी सागर या सिरसिलजम टाइगर रिजर्व 1983 में कहाँ पर आंध्र प्रदेश में उसके बाद कलकड़ या मंद्री टाइगर रिजर्व नाइनटीन में उसके बाद सत्यमंगम टाइगर रिजर्व 2008 में अन्ना मलई टाइगर रिजर्व 1976 में सिक्स में टाइगर रिजर्व 1940 में कहाँ पे तमिलनाडु में तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे खासकर सी डी एस डी पी कोई भी वन डे एग्जाम हो चाहे एन सी सी का हो चाहे किसी का भी हो तो आई होप कि आपको समझ में आएगा जय हिंद जय भारत थैंक यू टू वॉच